रही है दवाई भी, आप बताओ क्या दूं मैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया विषहरा सामरी बारी दौतली और देव या अटखेलियां कर रही थी, उस समय पर मेरे बक्षिस स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था, उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला पुष्प, धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, वो धतूरा साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा आप लोगों ने, अरे देखिए किन देखिए बोलो, धतूरा देखा ना, धतूरे के अंदर नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर महामृत्युंजय का स्मरण कर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो, वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है, फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपको दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते, रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग धतूरे का फूल, धतूरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है, दो जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाए, एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का, वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किया किस किस में करें ना सबने दर्शन, धतूरे का फूल लंबा होता है, अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं तो जैसे ये शिवलिंग है और यहां सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर, बहुत अंतर है महाराज, जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है, कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए, कौन कौन सा स्थान है जम के बोलो, पहला जम के बोलो अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहाँ होना चाहिए, महादेव की ओर, और डंडी का भाग जहाँ 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर, और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश पर शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिवजी को चढ़ाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए, लगभग लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और एक लोटा जल धीरे 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 देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश अशांति क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है।